ओरहान और गुलगुन काजिम के घर आते हैं और उसे समझाते हैं कि गुस्सा थूक दे और फरहत और सायरा की खुशी में शामिल हो। काजिम बिल्कुल मना कर देते हैं। गुलगुन इस्मा से कहती है, आप कुछ कहें ना। काजिम कहते हैं, हाँ मैं भी सुनूंगा, तुम क्या कहना चाहती हो। इस्मा कांपते हुए कहती है, सायरा खुद यहाँ आना चाहती थी तो मैं क्या कहूँ। काजिम कहते हैं, सही कहा, देखा। फिर इस्मा कहती है, पर वो दोनों अभी साथ खुश भी तो है। काजिम कहते हैं, ले। हतुच और सुना आते हैं। ओरहान कहते हैं, हमें समझाना था, हमने समझाया, हम वेट करेंगे आपका। हतुच कहती है, हम आएंगे। काजिम कहते हैं, क्या कह रही है खाला, मैं इधर मना कर रहा हूँ, मेरी बेइज्जती करवाना है क्या। हतुच कहती है, सब के सब चलोगे वहाँ, हाली साहब भी आएंगे। ओरहान कहते हैं, सच में। हतुच कहती है, मैंने उन्हें मनाया है, मुझे मना नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। ओरहान कहते हैं, ये बात तो मुझे पता नहीं थी। एनीवेज सब थैंक्स कह के चले जाते हैं। काजिम जिद पकड़ लेते हैं। हतुच डांटती है, कहते इन सब के बाद लोगों को क्या मुंह दिखाओगे, वहाँ हाले साहब तुमसे माफ़ी मांगेंगे। काजिम फिर भी जिद करते हैं, कहते इनके चेयर पे मैं नहीं बैठूंगा, पर रेलिंग पर बैठ जाते हैं। वो भी तो हालिस का ही है ना। इधर फरहत ने आदमियों के थ्रू अपने डैड के पैसों से पूरा घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया, पर क्रेडिट खुद लेके कहते हैं कि देखो तुम्हारे हस्बैंड ने कितनी मेहनत की है। सायरा देख के अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। फरहत आदमियों से कहते हैं, सब सायरा के मुताबिक होना चाहिए, परफेक्ट। सायरा से कहते हैं, आओ मेरी रानी। सायरा सजावट देख के इमोशनल हो जाती है, कहती है मेरे सपने पूरे हो गए। फरहत कहते हैं, अभी ज्वेलरीज तो पहनो जो मैं लाया हूँ, तब सपने पूरे होंगे। सायरा कहती है, काश मेरी माँ और बहन यहाँ होती। फरहत कहते हैं कि तुम कभी अंदर से नहीं सोचती कि तुम्हारा हस्बैंड इतना सब कुछ कर सकता है तो तुम्हारे घर वालों को क्यों नहीं ला सकता। सायरा कहती है, तुम कभी नहीं जान पाओगे मैं अंदर से क्या सोचती हूँ। इधर हतुच रेडी शेडी होकर नीचे काजिम के सामने आती है और काजिम शॉक्ड चिड़चिड़ करता है और कहता है, मैं नहीं जाऊंगा बस, और आप इतना रेडी होकर जा रही हो। हतुच समझाती है और किसी तरह उसे मना लेती है। काजिम कहता है, अच्छा चलूंगा, पर उस अजीब सी इस्मा को एज ए वाइफ कैसे लेके जाऊँ। हतुच कहती है, क्यों, सब ने उसकी हालत देख रखी है ना यहाँ आके, वैसे एक सरप्राइज़ है। काजिम कहते हैं, हो खाला क्या बात कर रही हो, देखो उल्लू मत बनाना मुझे। खाला उसे लेके जाती है इस्मा को दिखाने। काजिम भी लाइक, सरप्राइज़ इस्मा है, हट। इस्मा नीचे आती है और काजिम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहता है, ये लड़की कौन है खाला। इस्मा के रंग ढंग बदल गए, काजिम के एक्सप्रेशंस देखो। कहते हैं, लिपस्टिक का कलर देखो, वाई 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 माशाल्लाह, आँख भी मारता है, बापरे। इधर सब रेडियो के जाने लगते हैं। गुलगुन क्लियरली अपने जूतों में कंफर्टेबल नहीं है और हमको पकड़ के घसीटते हुए जा रही है। सब के सब यानी सर्वेंट्स भी रेडी होके जा रहे हैं सिवाय हालिस के, जो ऊपर से देखते हैं उनको जाते हुए। इफ़ाकात हालिस को देखती है नीचे से और चली जाती है। शाम हो जाती है और फरहत रेडियो के बाहर आता है। सायरा भी रेडियो के बाहर आती है। फरहत कहते हैं, वाह वाह इतनी खूबसूरत लग रही हो। सायरा कहती है, वाह तुमसे तारीफ सुनने को मिल रहा है। जब सायरा यहाँ आई थी तो ठंड से कांप रही थी और अभी देखो। एनीवेज गुलगुन और इफ़ाकात आते हैं। फरहत पूछते हैं, दादाजी कहाँ हैं। ये लोग कहते हैं, उनको बहुत समझाया पर वो नहीं आएंगे। सॉरी, सायरा से कहते हैं, तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं। फरहत दादाजी के ना आने से बहुत मायूस हो जाता है। सायरा उसे संभालती है। फिर फुआत और आसुमान आते हैं। दिन शफीका आबिदीन सुल्तान कार्लोज आते हैं। यूसुफ और दिजले हाथों में हाथ रख के आते हैं। फरहत उसे भी वेलकम करता है और यूसुफ इग्नोर करके चला जाता है। काजिम आता है और सरप्राइजिंगली वो इस्मा को हाथ देता है गाड़ी से उतरने के लिए। इस्मा सरप्राइज्ड, खूबसूरत हो गई है ना इसलिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर उसको बिगाड़ा भी तो काजिम नहीं है। एनीवेज और ये लोग इस्मा को देख के सरप्राइज। काजिम फरहत को ऐसे ही दिखाने के लिए तारीफ कर देता है कि वाह दामाद जी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। सुना और हतुच भी आते हैं। अब सब अंदर बैठे हुए हैं। फरहत दादाजी के ना आने से मायूस। काजिम हतुच को ताने मारते हैं कि देखो आपके प्यारे हाली साहब नहीं आए। हतुच भी मायूस। ओरहान उठ के कहते हैं, मेरे डैड को यहाँ होना चाहिए था और ये स्पीच देनी चाहिए थी, पर अब जब वो नहीं है तो मैं और फरहत ही स्पीच देने वाले। फरहत उठने ही वाला होता है तभी दरवाज़ा खुलता है और हालिस आ जाते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। फरहत सलाम करते हैं और सायरा गिल्टी फील करते हुए खड़ी रहती है। हालिस उसे भी अपना हाथ देता है, यानी वो अब नाराज़ नहीं है उससे। सायरा हाथ चूमती है। हालिस सबसे कहते हैं कि कितना खुश हूँ मैं आप सबको देख के, चाहे आप लोग मेरे खून के रिश्ते में हो ना हो, मैं आप लोगों से अलग नहीं रह सकता। मुझे पता है ज़िंदगी बहुत छोटी है और किसी का दिल तोड़ना आसान होता है दिल जोड़ने से, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे गुस्से में बोले हुए जुमलों के लिए। हतुच इमोशनल हो जाती है। हालिस काजिन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा और तुमने चुपचाप सुन लिया, थैंक्स, और मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार है मुझे पता है। काजिम नाराज़गी से आंखें नहीं मिलाता। हतुच उसके पैरों पर चूटी काटती है तो वो उठ के हालिस के पास जाता है। कहता है, ऐसा मत कहिए साहब, और हालिस का हाथ चूमता है। हालिस उसे गले लगाता है। सब ताली मारने लगते हैं। काजिम को देखो कैसे एक आंख से सबको देख रहे हैं। अब सब अपनी जगह पे बैठ के खाने लगते हैं। सब बहुत खुश है। सायरा और फरहत सबको खुश देख के बहुत खुश होते हैं। फरहत सायरा का हाथ मांगता है और सायरा हाथ देती है। सायरा ने खाना जल्दी ख़त्म कर लिया।
पार्टी ख़त्म होने के बाद सब घर लौटते और सुल्तान ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली। सब सर्वेंट्स उसे संभाल के ले जाने लगते। इधर सायरा, फरहत, आबिदीन और सोना आते हैं घर। फरहत सायरा को जल्दी रूम ले जाने लगते हैं। सायरा सोना को साथ चलने कहती है पर सोना मना करती है। सायरा फंस जाती है। फरहत कहते हैं मेरे सामने ये बहाना नहीं चलेगा। फिर कान के पास आके कहते हैं वादा मत भूलना। यानी फरहत और सायरा का डील हुआ था कि अगर फरहत ने पूरी फैमिली को मिला दिया तो सायरा उसे किस करेगी। सायरा टायर्ड होने का बहाना करके रूम में चली जाती है। सोना और आबिदीन कहते हैं इन लोगों की सुलह हो गई है। फरहत कहते हैं सुन लिया मैंने। सबके जाने के बाद सोना शर्माते हुए आबिदीन को न्यू ईयर गिफ्ट देती है। आबिदीन हैरान कहते हैं जहमत क्यों किया आपने। सोना उसे गुड लक चार्म देती है शायद सपने पूरे होने के लिए। आबिदीन शुक्रिया करते हैं। दोनों में केमिस्ट्री बनती है। इधर सायरा 2 घंटे से वॉशरूम में बंद है ताकि फरहत से बच सके। फरहत पूछते हैं क्या कर रही थी। सायरा कहती है नहा धो रही थी। फरहत गलत सोच लेते हैं और खुद भी नहा धो के आ जाते हैं। उसे लगा कि सायरा क्लोज आने वाली है। बाहर आके देखते हैं सायरा सो गई है बेड पे। पास वाली जगह पे आके सायरा के साथ सो जाता है ये सोच के कि सायरा ने इंतजाम किया हुआ है उसके लिए। सायरा उसे हटा देती है और कहती है सोफे पे जाके सो। फरहत कहते हैं कल भी तो हम साथ सो रहे थे ना, हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। सायरा फरहत साइफर पहले मैंने तुम्हें किस किया था फिर तुमने किया, अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बोल के आँखें बंद करके किस करने का वेट करते हैं। सायरा मुंह पे एक चमाट मार देती है। वो सोफे पे चली जाती है तो फरहत वहाँ जाके कहते हैं मुझे वो चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे किस करो। सायरा हैरान होकर उसे लात मार देती है। फरहत उसके पैर खाने लगता है। सायरा मना करती है तो फरहत रेडियो के बाहर जाने लगते हैं। सायरा कहती है ज़रूर पेलिन के पास जा रहे हो अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने। फरहत कहते हैं मेरे पास नहीं आओगी पर जेलस होती रहोगी है ना, अपना फ़ोन लेने जा रहा हो जो गाड़ी में रह गई है। बच्चों की तरह मारपीट करते हैं दोनों। इधर हम देखते हैं यूसुफ और दिचले के बीच रिश्ता शुरू हो गया है। यूसुफ उसी के रूम में था और चुपके से निकलता है। दिचले उसे गाल पे किस करती है। अच्छा ही हुआ, वैसे भी सायरा के पीछे जाने से उसे बस उस फरहत से मार ही खानी पड़ती। अभी धीरे धीरे सारे नाजायज़ रिश्ते खुल के सामने आने वाली है। यूसुफ बाहर निकल के देखते हैं फरहत अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा है और सुल्तान नशे में उसकी गाड़ी के दूसरी तरफ से अंदर आ जाती है। फरहत हैरान होकर उससे हालचाल पूछते हैं। सुल्तान उसके बाहों में सर रख देती है। फरहत कहते हैं हट जाओ कोई देख लेगा। सुल्तान कहती है देखने दो, सबको लगेगा मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया पर मैं तो तुम्हारे लिए रो रही हूँ। ये सब कुछ यूसुफ देख लेता है। ही इज़ शॉक्ड। अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करने वाला था और फ़ोन नीचे गिर गया। आवाज़ से फरहत चौंकना हो गया और वहाँ से निकलने लगा। यूसुफ रिकॉर्ड करना शुरू तो करता है पर शायद कुछ खास हाथ नहीं लगा, काश लग जाता। फरहत ऊपर जाता है और सीढ़ियों से देखता है ओरहान इफाकात के दरवाजे के पास खड़ा है। इफाकात नाइट ड्रेस में बाहर आती है और ओरहान को अलग ही नज़रों से देखती है। ओरहान उसके बाल संवारने लगते हैं। फरहत शॉक्ड। यानी वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि उसकी आंटी के साथ उसका डैड इस तरह के रिलेशन में हो सकता है। हाँ वो भी ऐसा ही है पर यू नो अपने डैड को चीट करते हुए पकड़ना इज़ शॉकिंग। वो कहते हैं डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इफाकात और ओरहान की डर से जान थोड़ी सी निकल जाती है। फरहत पूछते हैं मॉम कहाँ है। ओरहान कहते हैं वो टायर्ड है, आराम कर रही है बेटा। फरहत कहते हैं रात के इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इफाकात कहती है क्या मतलब। ओरहान कहते हैं तुम्हारी आंटी से बात करने आया था। इफाकात डांटते हुए कहती है तुम्हारे ससुर जी कल आने वाले हैं, तुम्हारे गलत करतूतों को लेकर बात करने वाले थे हम लोग, तुम भी अंदर आओ। पर इस रिवर्स डांटने से क्या फरहत शक करना बंद करता। नो। ओरहान नाटक करते हुए कहते हैं इफाकात तुम नहा लो, देखो तुम्हारे बालों पर कन्फेटी लगी हुई है। इफाकात कहते हैं ओ हाँ पार्टी पे लग गई होगी। यानी ओरहान बहाना बना रहा है कि वो इफाकात के बालों से कन्फेटी निकाल रहा था। अरे अरे देवर भाभी के बाल छू भी क्यों रहा है। फरहत को वो लोग बात करने अंदर आने कहते हैं। फरहत कहते हैं नहीं मैं सोने जा रहा हूँ। कितना एम्बेरेसिंग था यार, जिस दिन इफाकात और हालिस का सबको पता चलेगा उस दिन क्या होगा। यहाँ इतने सीक्रेट्स है कि हर सीक्रेट रिवील होने में 5-6 एपिसोड्स बन सकते हैं। ओके दिन वीडियो खत्म।